आजकल क्रिएटिविटी का जमाना है और ये क्रिएटिविटी खास लोगों की जागे नहीं रही। गए वो दिन जब एक्टर्स सिर्फ अपने डायरेक्टर्स के विजन को फॉलो करते थे। अब बदलते वक्त के साथ साथ आमतौर पर डायरेक्टर्स के एक्शन को पाक मानने वाले ये एक्टर्स अपने टैलेंट को भी एक्सप्लोर करने लगे हैं और ये सिर्फ सजेशन तक सीमित नहीं है। खबरों की माने तो अगर ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस डायरेक्टर के विजन से इत्तेफाक नहीं रखते तो उसे रिप्लेस करने से परहेज नहीं करते। मजाल है किसी की जो इन हिट एक्टर्स की डिमांड को इनकार कर सके। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी नंबर 2। भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। सेक्स गॉडेस कहें या फिर दी अल्टीमेट सेक्स बॉम्ब, इन सबको अच्छी तरह से डिफाइन करती हैं बॉलीवुड की सेक्स गॉडेस मल्लिका शेरावत। और अब तो मल्लिका शेरावत अपनी आने वाली फिल्म अगली और पगली और मान गए मुगले आजम से हर तरफ चर्चा में है। जहां वो आजकल अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में है तो वहीं दूसरी तरफ उनके नखरे भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, सलमान का दम छोड़िए, आइए आज आपको मल्लिका शेरावत का दम बताते हैं। यूँ तो मल्लिका शेरावत की एक्टिंग की कम ही चर्चा होती है, पर जब परफेक्शनिज्म की बात आती है तो मल्लिका सबको पीछे छोड़ देती हैं। नहीं नहीं, हम उनके परफेक्ट लिप लॉक सीन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके आने वाली फिल्म फौज में मौज की बात कर रहे हैं। इस बार मल्लिका शेरावत के सर पर एक्टिंग का ऐसा बुखार चढ़ा है कि जब फिल्म फौज में मौज के डायरेक्टर मुरली की डायरेक्शन इन्हें पसंद नहीं आई तो इन्होंने 75% फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी डायरेक्टर का रिप्लेसमेंट करवा दिया। खैर, मल्लिका के इस दम से तो कोई बचा नहीं है। कभी इनके टैंट्रम्स तो कभी इनका पूरी फिल्म को रीशूट करना, ये तो मल्लिका के लिए जैसे आम बात हो गई है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि किसी एक्टर ने किसी डायरेक्टर को रिप्लेस किया है। परफेक्शनिज्म के मास्टर आमिर खान ने भी अपनी फिल्म तारे जमीन पर में यही किया था। अमोल गुप्ते की स्क्रिप्ट देखकर आमिर खान उनसे काफी इम्प्रेस हुए और उन्हें बना दिया फिल्म तारे जमीन पर का डायरेक्टर। लेकिन करीब आधी फिल्म शूट हो जाने के बाद उनके और आमिर के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते आमिर ने उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद बन गए डायरेक्टर। और इस फिल्म से आमिर के तारे आसमान पर पहुंच गए। और अब एक बार फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने प्रोडक्शन की अगली फिल्म डेली बेली को लेकर चर्चा में हैं। पिछले दिनों ऐसा ही वाक्य यहां पर भी हुआ, जब कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते आमिर ने इसके डायरेक्टर रॉबर्ट नाइलैंड को एडमैन अभिनय देओ के साथ कर दिया रिप्लेस। तो वहीं बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार भी रिप्लेसिंग को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। पहले तो वो सेट पर डायरेक्टर को एडवाइस दे दे कर थकते नहीं और अब जनाब ने एडिटर की भी कुर्सी संभाल ली है। ये तो सबको पता है कि अक्की ने प्रियदर्शन की फिल्म भागम भाग और गरम मसाला एडिट की है, पर ये नहीं पता होगा कि अक्की ज्यादातर अपने को एक्टर्स के रोल को काटने के लिए मशहूर हैं। खैर, अब अगर अक्की फिल्मों में लाइमलाइट खींच लेते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। खैर, बॉलीवुड के इस नए फॉर्मूला से रूबरू होकर इन एक्टर्स को एक नया हुनर तो मिल ही गया है, पर इन एक्टर्स पे चढ़े इस क्रिएटिविटी के बुखार को देखकर तो कहना गलत नहीं होगा कि इस फॉर्मूले को हमेशा ही रिपीट करेंगे हमारे ये एक्टर्स। राजप्रीत सोंद, जूम, मुंबई।